एक्स कैप्टन हरी सुप्पल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये क्वेश्चन था कि क्या लॉयर्स स्ट्राइक कर सकते हैं, क्या उनका स्ट्राइक करने का अधिकार है। इस केस में हरी सुप्पल ने ये कहा कि जो राइट टू स्ट्राइक है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कलेक्टिव बार्गेन का एक सेटल प्रिंसिपल है। जो काम करने वाले जो लोग होते हैं इंडस्ट्रीज में, उनके लिए। लेकिन एडवोकेट जब क्लाइंट से वकालतनामा भरवाता है तो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन करता है। इसमें जो वकीलों की संस्थाएं या एसोसिएशन थी, उनकी तरफ से ये कहना था कि लॉयर्स का राइट टू स्ट्राइक है, और अप्रोप्रिएट या प्रॉपर केसेस में जहां पर उन्हें और कोई रास्ता नहीं बचता, तब उन्हें अथॉरिटीज को या सिस्टम को प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए राइट टू स्ट्राइक ही एक ऑप्शन बचता है, और उस स्थिति में उनके पास राइट टू स्ट्राइक है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि लॉयर्स के पास किसी भी तरह का राइट टू स्ट्राइक या धरने का राइट नहीं है। अगर एडवोकेट्स चाहते हैं कि उनकी कोई इश्यूज हैं तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और प्रोटेस्ट का जो करने का तरीका वो ये हो सकता है कि आप बैनर लेकर के कोर्ट के बाहर खड़े हो सकते हैं, आप अपने हाथ पर कंधों में जो है वाइट या ब्लैक रिबन लगा सकते हैं, आप प्रेस नोट दे सकते हैं, आप टीवी में इंटरव्यू दे सकते हैं, आप अखबारों में अपने जो स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये सब आपका तरीका हो सकता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन आपके पास राइट टू स्ट्राइक नहीं है, क्योंकि वो ऐसा करके आप जो आपकी जो ड्यूटी है कोर्ट के प्रति, आप उसको भी वॉयलेट कर रहे हैं, आप एक्सेस टू जस्टिस को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इन सब बातों के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो एडवोकेट्स हैं उनका एक स्पेशल स्टेटस है, वो कोर्ट ऑफिसर हैं, इसलिए उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो स्ट्राइक करें। और इस ऐसे मामलों में जब कभी भी कोई व्यक्ति अगर कोई बार एसोसिएशन या काउंसिल स्ट्राइक के लिए बोलती है, और उस सिचुएशन में कोई व्यक्ति अगर कोर्ट जाना चाहता है, अगर उसको कोई रोकता है, तो वो इलीगल है। और ऐसी बात, ऐसे जो वाक्यों को अवॉइड करना चाहिए, और आगे से कोशिश ये की जाए कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है कि राइट टू स्ट्राइक जो है एडवोकेट्स के पास नहीं है, और उन्हें कोर्ट की स्मूथ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कभी भी स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए।